न्यायाधीशों का स्थानांतरण। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ स्थानांतरित होंगे? वे तो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हैं, तो उनके यहाँ स्थानांतरण का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्थानांतरित होते रहते हैं और भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नियमों के आधार पर राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को किसी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर सकता है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य या उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय लाने के लिए भी स्थानांतरण होता है। कई बार एक उच्च न्यायालय से पदोन्नत होकर दूसरे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण, या उच्च न्यायालय से न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण पदोन्नत, ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है और इन कारणों से स्थानांतरण होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संबंधी अंतिम जानकारी, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, वही बिंदु जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर है। रिटायर होने के बाद वकालत नहीं कर सकते, खासकर वहाँ जहाँ वह पहले न्यायाधीश रहा हो। साथ ही दूसरे राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में भी वकालत नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उच्चतम न्यायालय या दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो इस प्रकार उसके प्रतिबंधों की जहाँ तक बात है, तो वह उच्चतम न्यायालय या दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, लेकिन जहाँ से रिटायर हुआ हो, जहाँ उसने कार्य किया हो, वहाँ वह जहाँ न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, वहाँ वह ये कार्य नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं कार्य, अर्थात जैसा हमने उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझा, ऐसे ही अब हम उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझेंगे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट, इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन अर्थात क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट की तरह इसका भी एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, मौलिक क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस मामले में? पहला, संविधान से संबंधित विवाद। संविधान के किसी अनुच्छेद को लेकर, उसकी व्याख्या को लेकर कोई विवाद हो, तो वह सीधा संबंधित उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संबंधी व्याख्या के बाद दूसरा कार्यक्षेत्र, दूसरा क्षेत्र जहां पर उसे मौलिक अधिकार है, क्षेत्राधिकार, वह है मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण, उससे संबंधित यदि कुछ मामला हो, कुछ अभियोग हो, तो उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में उसे पेश किया जा सकता है। उच्च न्यायालय उन्हीं 5 अभिलेखों के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है नागरिकों के, जिनका जिक्र पूर्व में किया जा चुका है। और वे 5 जो लेख हैं, उनके नाम कमोबेश वही हैं जो हमने उच्चतम न्यायालय के संबंध में और मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में पढ़ा था, अर्थात बंदी प्रत्यक्षी लेख, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा लेख। मौलिक दायरे में, मौलिक अधिकार क्षेत्र में वसीयत संबंधी मामले, विवाह विच्छेद संबंधी मामले,
विवाह विधि संबंधी मामले, कंपनी कानून और न्यायालय की अवहेलना से संबंधित विवाद भी आते हैं। इनको आप देख लें ध्यान से, वसीयत संबंधी, विवाह परिच्छेद संबंधी, विवाह विधि संबंधी, कंपनी कानून और न्यायालय की अवहेलना। इसके बाद अंतिम है मौलिक अधिकार क्षेत्र में चुनाव याचिकाओं से संबंधित विवाद, जो सीधा उच्च न्यायालय में जाएंगे चुनाव याचिका से संबंधित। इसके बाद दूसरा जो इसका अधिकार क्षेत्र है उसका शीर्षक है अपीलीय क्षेत्राधिकार। जैसा कि उच्चतम न्यायालय के संबंध में हमने पढ़ा, यहाँ भी उसी क्रम में हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, जैसे जिला न्यायालय, उसके निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसको भी हम एक तरीके से तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार को। पहला दीवानी, 5,000 रुपये से अधिक और कुछ दशाओं में 20,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए मामले जा सकते हैं। जिला न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में इतनी धनराशि से संबंधित अभियोगों को सुना जा सकता है। फौजदारी मामले में कौन से मामले उच्चतम न्यायालय जाएंगे अपील के जरिए? पहला, यदि सत्र न्यायाधीश ने किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया तो मृत्युदंड की पुष्टि हो जाए इसलिए उसे उच्च न्यायालय जाना जरूरी होता है। दूसरा, यदि निचले न्यायालय ने किसी अपराधी को 4 या उससे ज़्यादा वर्ष की सजा दी हो तो भी अपील कर सकते हैं। 4 वर्ष से ज़्यादा की सजा के मामले में भी संबंधित पक्ष उच्च न्यायालय अपील कर सकता है। और तीसरा, किसी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार अपीली मामले फौजदारी। अब कुछ अन्य अपीलें क्या हैं? कुछ अन्य मामलों में भी उच्च न्यायालय को नीचे से आए हुए अभियोग या कहना चाहिए विवादों को सुनने का अधिकार है और उस पर निर्णय देने का अधिकार है। इस अन्य मामलों में बिक्री कर से जुड़े हुए मामले, आयकर, शासकीय कर, भूमि प्राप्ति, उत्तराधिकारी संबंधी, दिवालियापन, पेटेंट और डिज़ाइन, इन सब को मामलों में भी विवाद यदि जिला न्यायालय में गया हो तो असंतुष्ट पक्ष उससे ऊपर उच्च न्यायालय में जाकर न्याय की गुहार कर सकता है और ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय पुनः इस केस को सुनता है। बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है इस प्रकार से, विशेषकर करों के मामले में, टैक्सेस के मामले में भी मामले नीचे से उच्च न्यायालय तक जाते हैं। इसके अतिरिक्त श्रम न्यायालय अर्थात लेबर कोर्ट, राजस्व न्यायालय अर्थात रेवेन्यू कोर्ट, इसके भी निर्णय से असंतुष्ट पक्ष जो है वह उच्च न्यायालय जा सकता है। कमोबेश बहुत से केसेस में इस बात की स्वतंत्रता है कि हम उच्च न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। तीसरा जो क्षेत्राधिकार आता है वह है प्रशासकीय क्षेत्राधिकार। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासकीय क्षेत्राधिकार का जिक्र करते हुए मैंने बताया था कि बाकी सभी कोर्ट उसके अंतर्गत आते हैं, मातहत आते हैं, ऐसे ही प्रशासकीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के मामले में उसका जो दायरा है वह उसके अधीनस्थ कोर्ट तक सीमित है। अब उसके अधीनस्थ कोर्ट में वो क्या करता है? न्यायालयों की कार्य प्रणाली, उससे संबंधित नियम बनाता है। कार्य प्रणाली से संबंधित नियम अपने राज्य के न्यायालयों की कार्य प्रणाली से। दूसरा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड
के लिए नियम बनाता है, किस तरीके से रखना है, उनकी कैटेलॉगिंग कैसे होगी, उसके लिए जो मैन पावर आदि है, उसके लिए जो बाकी व्यवस्था है वो किस तरह की होगी, इस पर उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम और मान्य होगा। तीसरा, डॉक्यूमेंट की जांच करवाने के लिए मंगवा सकता है, यदि उसे कहीं पर शंका है किसी तरह के डॉक्यूमेंट उसे चाहिए तो वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों से डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है। याद रखेंगे बारंबार यह अधीनस्थ न्यायालय शब्द यहाँ इसलिए बोला जा रहा है कि एक राज्य के उच्च न्यायालय का दायरा, कार्य का दायरा उसी राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों तक ही सीमित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के किसी जिला न्यायालय से किसी तरह के कागज नहीं मंगवा सकता, डॉक्यूमेंट नहीं मंगवा सकता, किसी तरह का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि यह आंध्र प्रदेश का मामला है और आंध्र प्रदेश उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है। इसके साथ ही जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, पदोन्नत करना, अवकाश देना, अवकाश संबंधी नियम बनाना, ये सब उच्च न्यायालय का कार्य, ये प्रशासनिक कार्यों में आते हैं। यहाँ पे न्याय वाली कोई बात नहीं है, लेकिन राज्य की न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए उच्च न्यायालय पर पूरी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय किसी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय किसी विवाद को भेज सकता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब कोई एक विवाद किसी एक न्यायालय में चल रहा है, जिला न्यायालय में, और किन्हीं कारणों से उस विवाद को उस जिला न्यायालय से ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है और किसी अन्य न्यायालय में भेजने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा करने का कार्य क्षेत्र केवल उच्च न्यायालय का है, स्थानांतरित करने का, विवादों को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट स्थानांतरित करने का। अब अंतिम जो इसका क्या कार्य क्षेत्र है वह अभिलेख, जिसका मैं पूर्व में जिक्र कर चुका हूँ। एक अभिलेख न्यायालय है, ये भी एक अभिलेख न्यायालय है, इसके भी अपने रिकॉर्ड हैं। राज्य में हुए संबंधित फैसले, राज्य में हुए संबंधित केस, इसके सब के रिकॉर्ड वहाँ रखे जाते हैं और उन्हें किसी भी अदालत में प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है। अर्थात ये जो रिकॉर्ड हैं ये आधिकारिक हैं। इन्हें ध्यान में रख के समस्त न्यायालय अपना निर्णय देते हैं, समस्त न्यायालयों के न्यायाधीश अपना निर्णय देते हैं। और फिर एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वह एक बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस पॉइंट है। वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स, वहाँ के सारे अभिलेख न्यायाधीशों के लिए एक रेफरेंस का काम करते हैं, एक तरीके से उद्धरण का काम करते हैं। इस प्रकार हमने संक्षिप्त में राज्य के उच्च न्यायालयों का ढांचा और उनका कार्यक्षेत्र और उनका महत्व भी समझ लिया। अब हम आते हैं अगले पर और वह है जिला न्यायालय। आखिर जिला न्यायालय व्यवस्था क्या है, जिला न्यायालय की व्यवस्था कैसे कार्य करती है। जुडिशरी सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया, जुडिशरी सिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया, अधीनस्थ कार्यालय इन्हें हम कह सकते हैं। क्या मायने अधीनस्थ कार्यालय के, सबऑर्डिनेट कोर्ट। हर राज्य के उच्च न्यायालय के नीचे जिलों में न्यायालय हैं जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय या निम्न न्यायालय कहते हैं। ये जो न्यायालय हैं भारतीय संघ के लगभग हर राज्य में तीन श्रेणियों में हैं। देर आर थ्री कैटेगरीज, किनकी, जिला न्यायालयों की। सबसे उच्च सर्वोच्च न्यायालय एक, राज्यों में एक उच्च न्यायालय हर राज्य में एक, हर राज्य में इस प्रकार पूरे देश में 25, और उसके बाद हर जिले में एक न्यायालय। लेकिन जिले में जो न्यायालय हैं उनकी तीन श्रेणियां। पहला जिला न्यायालय,
जिला न्यायालय जो है वो दीवानी विवादों का सबसे बड़ा न्यायालय है, और प्रारंभिक और अपीली दोनों अभियोगों के मुकदमे सुनता है, प्रारंभिक भी सुनता है और अपीली भी सुनता है। अब अपीली कहाँ से, जो नीचे से आती हैं, और प्रारंभिक मतलब जिला न्यायालय में जिसने पहली बार कोई सा अभियोग दाखिल हुआ हो तो प्रारंभिक कहलाएगा। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जिला न्यायालय दीवानी विवादों का सबसे बड़ा न्यायालय जिले स्तर पर। दूसरा, अतिरिक्त या संयुक्त जिला न्यायालय जो जिले न्यायालय के सहायक के रूप में काम करता है। तीसरा, दीवानी न्यायालय। ये दीवानी न्यायालय जो है, दीवानी न्यायालय को 5,000 से 20,000 तक के मुकदमे सुनने का अधिकार है। देखिए, दीवानी न्यायालय अर्थात जिनका संबंध माल पैसा वगैरह से होता है, धन से होता है, प्रॉपर्टी से होता है, वे दीवानी न्यायालय। और जो अपराध संबंधी हैं, क्रिमिनल संबंधी, वे फौजदारी आते हैं। तो दीवानी न्यायालयों की जब चर्चा करें तो न्यायालयों की जो श्रेणी बनी है वह उनके कार्य क्षेत्र का विभाजन, कितने रकम के केस को वे देख सकते हैं, इसको लेकर हुआ है। तो दीवानी न्यायाधीश जो है वो 5,000 से 20,000 तक के मुकदमे सुनने का अधिकार रखता है। उसके नीचे मुंसिफ मैजिस्ट्रेट जो 2,000 से 5,000 रुपए तक के ऐसे मुकदमे सुनने का अधिकार रखता है। पांचवा आएगा लघुवाद या खफीफा न्यायालय। लघुवाद या खफीफा न्यायालय अर्थात 3,000 रुपए तक के मुकदमे वे सुन सकते हैं। और अंतिम श्रेणी में है न्याय पंचायत, यानी दीवानी मामलों को सुनने के लिए जो न्याय व्यवस्था है उसमें अंतिम पायदान पर है न्याय पंचायत। ये दीवानी का मामले सुनती है, कौन से, जो 500 रुपए तक के, जो 500 रुपए तक के हों उनको। इसके बाद हमने दीवानी न्यायालयों के बारे में जाना, अब हम थोड़ा फौजदारी न्यायालय के बारे में आए। फौजदारी न्यायालय में क्या स्ट्रक्चर है, क्या ढांचा है, यानी क्रिमिनल कोर्ट्स की यदि बात करें तो क्या ढांचा है। अब फौजदारी मामले जैसा मैंने बताया, अपराधों से संबंधित, मारपीट, चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़े, जालसाजी, कत्ल, ऐसे जो मुकदमे हैं इन्हें सुनने का अधिकार फौजदारी न्यायालय को है, क्रिमिनल कोर्ट को है। इसकी क्या श्रेणी है? पहला है सत्र न्यायाधीश, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट, सेशन मतलब सत्र, याद रखेंगे पूर्व में भी ये बताया गया है। जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय आपराधिक मामलों के लिए, फौजदारी मामलों के लिए सेशन कोर्ट कहलाता है, जिला स्तर पर। दूसरा, सहायक सत्र न्यायाधीश जो सहायता के लिए है। तीसरा, ये जो सहायता के लिए जो न्यायाधीश आते हैं, नॉर्मली इन्हें 12 वर्ष तक की सजा देने का अधिकार है। दीवानी मामले में रकम के आधार पे वर्गीकरण है, और यहाँ पर फौजदारी मामले में सजा की वर्गीकरण का आधार सजा का काल है, सजा का तरीका है। तो अतिरिक्त या सत्र न्यायाधीश वगैरह जो हैं वे 12 वर्ष तक की सजा सुना सकते हैं, उतने तक की सजा देने का अधिकार। तीसरा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, इनका कार्य क्षेत्र फौजदारी मुकदमा सुनना, 7 वर्ष तक का कारावास और 5,000 तक का अर्थदंड। कारावास आवश्यक है उसमें जुड़ा हुआ, केवल 5,000 के अर्थदंड का मामला नहीं है, कारावास। दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 3 वर्ष का कारावास तथा 5,000 तक का आर्थिक दंड, इतना देने का प्रावधान, इस तरह इतनी सजा देने का प्रावधान
इनके पास रहता है, दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, उसके बाद दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, अपीलीय अधिकारी ने प्राप्त नहीं है, एक वर्ष का कारावास या समझ लीजिए 1000 रुपये तक का आर्थिक दंड। फिर यहाँ पर भी न्याय पंचायत आती हैं, न्याय पंचायत 250 रुपये तक का अधिकार रखती हैं, 250 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार रखती हैं। कारावास का दंड न्याय पंचायत नहीं दे सकती, सक्षम नहीं है, न्याय पंचायत कारावास की सजा देने के लिए सक्षम नहीं है, और आर्थिक दंड की रकम भी अधिकतम 250 रुपये जुर्माना। तो इस प्रकार हमने दीवानी के बारे में समझा, जिला स्तर पर जो 3 वर्ग हैं उनमें पहला था दीवानी अदालत, उसके बाद हमने फौजदारी अदालतों का और उनका वर्गीकरण समझा। अब हम आते हैं तीसरा वर्ग जिसे हम कहते हैं राजस्व न्यायालय अर्थात रेवेन्यू कोर्ट्स। ये रेवेन्यू कोर्ट का संबंध जमीन से है, जमीन कर से है, मालगुजारी, भूमि, उत्तराधिकारी संबंधी मामले, ये सब राजस्व मामलों में जाते हैं। इनकी श्रेणियां कैसी हैं, राजस्व मामलों की श्रेणियां? पहला तो है राजस्व परिषद जिसे कहते हैं रेवेन्यू बोर्ड। हर राज्य में एक रेवेन्यू बोर्ड होता है और इस रेवेन्यू बोर्ड के जो मुखिया होते हैं, अध्यक्ष या चेयरमैन कहिए, ये सामान्यतया IAS स्तर के अधिकारी होते हैं। राजस्व मामले का सबसे बड़ा न्यायालय किसी राज्य का यदि है तो वह है रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व मामले का सबसे बड़ा न्यायालय। इसकी अपनी 3 श्रेणियां हैं। पहला, राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई का सबसे बड़ा जो है वह राजस्व परिषद, जैसा मैंने बताया रेवेन्यू बोर्ड। दूसरा, आयुक्त, मालगुजारी से संबंधित प्रत्येक राज्य को मंडलों में बांटा गया है, कमिश्नरी में बांटा गया है, और प्रत्येक मंडल का जो अधिकारी होगा, मुखिया होगा, वो मंडल आयुक्त कहलाएगा, रेवेन्यू कमिश्नर। उसके बाद रेवेन्यू के ही तहत आता है जिलाधीश। आपको याद होगा मैंने पूर्व में भी इसके बारे में विस्तार से जिक्र किया था और आपको बताया था कि जिलाधीश को अंग्रेजी में कलेक्टर बोलते हैं, और कलेक्टर शब्द जो आया है वो वास्तव में रेवेन्यू कलेक्टर से आया है। तो जिलाधीश का जो मूल कार्यक्षेत्र था वह रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था, आज वह बदल कर पूरे जिले का मुखिया हो गया है। तो पर जिलाधीश मालगुजारी वसूल करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, अपने क्षेत्र की मालगुजारी, अपने क्षेत्र के टैक्स, जमीनी संबंधी टैक्स की व्यवस्था। उसके नीचे आते हैं अतिरिक्त जिलाधीश, उनकी सहायता के लिए रहते हैं। उसके बाद आते हैं परगनाधीश, जो जिलाधीश के अधीन वे भी रहते हैं। फिर तहसीलदार, तहसीलदार जो है मालगुजारी वसूल करने के अलावा राजस्व संबंधी, रेवेन्यू संबंधी मामलों की प्रारंभिक सुनवाई करता है, और प्रारंभिक सुनवाई करके उसके निर्णय भी देने का अधिकार तहसीलदार को है। तहसीलदार की सहायता के लिए नायब तहसीलदार होगा, और नायब तहसीलदार के नीचे पटवारी या लेखापाल, जो तहसील के कार्यों में नायब तहसीलदार की सहायता करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम एक जिले को देखें, एक राज्य को आप यदि देखें, तो एक राज्य में एक उच्च न्यायालय है और दूसरी ओर रेवेन्यू बोर्ड है जो रेवेन्यू को देखता है। जिला स्तर पर जिला न्यायालय, और फिर उसके बाद नीचे आते आते न्याय पंचायत। वहीं यदि हम रेवेन्यू के मामले में देखें, यदि हम फौजदारी मामलों में भी देखें, दीवानी मामलों में भी देखें, तो दोनों में अंतिम पायदान पर न्याय पंचायत। रेवेन्यू मामले में अंतिम पायदान पर हमने जैसे देखा सबसे नीचे पटवारी या लेखापाल, जिसकी शुरुआत होती है परिषद से। राजस्व न्यायालय की बात करें तो राजस्व परिषद से जिसकी शुरुआत होती है, सबसे नीचे उस श्रेणी में, उस वर्ग में
नायब तहसीलदार, पटवारी आदि आते हैं।